गुड मॉर्निंग सो वील रिटर्न टू द पोट्री सेक्शन रिपल्स ऑन द सन्स ऑफ टाइम जो आपकी दो कविताएं बची है सो वील टेक द फर्स्ट वन दलिव ट्री बाय मार्को कॉनर सो मार्को कॉर्नर इज़ यू नो वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट नोन कंटेम्प्रेरी पोइट्स बोर्न इन 1945 ही गेव अप अ करियर एज अवर्सिटी टीचर थे पहले लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये बस कविताएँ और कहानियाँ लिखेंगे सो ही गेव अप दैट करियर कई किताबें लिखी है कई अवार्ड जीते हैं एंड इज़ प्राइमरली एन एनवायरमेंटलिस्ट यू नो नेचर पोइट एंड इसलि पोएट्री सेलिब्रेट्स नेचर पर्टिकुलरली द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियाज एन्वायरमेंट फ्राम डेजर्ट्स रेन फॉरेस्ट माउंटेन्स एंड कॉरल रीफ्स तो बेसिकली एक प्रकृति से इन्हें बहुत लगाव है और रिक्तर कविता इनकी नेचर पोइट्री होती है अबाउट एंड ही वर्कस विद एनवायरमेंटल फोटोग्राफर्स ऑल्सो तो जो इस तरह की जो नेचर पोएट्री लिखते साथ ही में एनवायरमेंटल फोटोग्राफर्स के साथ काम करते ताकि पोइट्री और फोटोग्राफ साथ आएँ दलिव ट्री सो दिस वॉज रिटर्न वेन ही वॉज लिविंग इन इटली वैन मार्को कॉनो वॉज लिविंग इन इटली इटली इज फेमस फॉर इट्स ऑलिव ट्रीज एंड ऑलिव ऑयल और तो जैसा हम बात करते रहते हैं किसी भी खासकर कविताओं के दो लेवल्स के मतलब होते एक होता है लिटरल और दूसरा मेटाफोरिक सो लिटरल लेवल सतही लेवल पर आप देखिए सो इट्स अ पोम अबाउट ऑलिव ट्रीज अबाउट देर लॉन्जेबिलिटी एंड रेजिलियंस कि चाहे उनको काट दो या फिर बकरे खा जाए लेकिन फिर भी वो पेड़ ऑलिव ट्री का सदियों बाद भी वापस आ जाता है बट देन सिम्बॉकली मेटाफोरिकली यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस आइडिया टू नेचर या फिर ह्यूमन विल कि नेचर को भी आप या फिर इंसान को भी आप कितना भी दबाव चाहे देखें जैसे कई हिटलर के टाइम पे हुआ है स्टालिन के टाइम पे हुआ है सो डिक्टेटरशिप्स डिकेटरशिप्स यूनो इंसान को भी आप जितना भी दबाओ लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पिरिट इज़ रेजिलियट एंड इट फाइट्स बैक और इट रिटर्न्स एंड एस्पेश वेन वी टॉक अबाउट पीस यू नो कि जो ह्यूमन विल एक तरह से लड़ाई झगड़ा चलते रहता है वॉर्स चलते रहते हैं हेटरेट चलते रहती है बट दिस ऑफ पीस यू नो कीप्स रिटर्निंग बिकॉज ऑलि ट्री इज ऑल्सो सिम्बल ऑफ पीस यू नो ऑलि ब्रांच इट्स सपोज टू भी अ सिंबल ऑफ शांति का एक चिन्ह मानते हैं सो इसलिए ऑल ऑफ दिज आइडियाज सो लेट्स मूव ऑन्ट द पोम इट्सल्फ द ऑलिव ट्री Nobody knows how long it takes to kill an olive. Drought, axe, fire are admitted failures. Hack one down, grub out a ton of main root for fuel, and next spring every side root sends up shoots. A great frost can leave the trees leafless for years. They revive. Invading armies will fell them. They return through the burnt out ribs of siege machines. Only the patient goat nibbling his way down the ages has malice to master the olive. Sometimes, they say, a man finds a dead orchard, fired and goat cropped centuries back. He settles and fences, the stumps revive. His grandchildren's family prosper by the arduous oil pressing trade. Then wars and disease wash over, goats return. The olives go under, waiting another age.

यू नो कुल्हाड़ी फायर आर एडमिटेड फेलियर्स तो चला दो काट दो या सुखा दो लेकिन फिर भी ऑलिव का पेड़ वापस आ ही जाता है दीज आर एडमिटेड फेलियर्स हैक वन डाउन काट दो ग्रब आउट अ टन ऑफ मेन रूट फॉर फ्यूल जो उसका जो ऑलिव के पेड़ का जो मेन रूट है उसे निकाल के जला दो फ्यूल के लिए एंड नेक्स्ट स्प्रिंग एवरी साइड रूट्स एंड शूट्स लेकिन अगले बसंत में आप देखेंगे जो 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 साइड साइड के 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 रूट्स होते हैं हैं मेन रूट को आप हटा के भी जला दो तो जो है है। शूट्स शूट्स वही ऊपर पेड़ भेजने लग जाते है, तना भेजता सर्दियों मौसम में अगर बर्फ पड़े तो कई सालों तक ऑलिव का पेड़ लीफलेस रह सकता है वापस आ जाते हैं इन वेडिंग आर्मीज़ अगर वॉर के टाइम में इन्वेडिंग आर्मीज के इनकम और उसे घिरा सकते हैं टैंक वैंक आ रहे हैं गाड़ी आ रही है घिरा रहे हैं इन पेड़ों को लेकिन दे रिटर्न थ्रू द बर्न आउट रिब्स ऑफ सीज मशीन सीज यानी जो सराउंड किसी को घेरने के लिए तो सीज मशीन्स क्या हो गए टैंक टाइप के जो मशीनें हैं वॉर में उपयोग होती है तो ये कह रहे हैं वो मशीनें भी जल के टूट जाती है लेकिन जो उनके जो फिर जले हुए जो रिमेंस है रिब्स यानी पसलियाँ तो टैंक का जो ढांचा है जला हुआ और जो बचा हुआ है उसमें से भी ये पेड़ वापस उग कर आ जाते हैं ओनली द पेशेंट गोट निबलिंग इज वे डाउन द एजेस हैज मैलिस्ट टू मास्टर द ऑलिव फिर अब ये नेक्स्ट पार्ट अभी तक कह रहे थे कि ऑलिव ट्री को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता वापस आते रहता है फिर एक डाउट आता है कि शायद जो पेशेंट गोट है बस जो बकरे हैं जो कई सालों तक निबल चबाते रहते हैं ऑलिव के पेड़ को वही शायद उसे मास्टर कर पाए शायद ख़त्म कर पाए लेकिन फिर भी समटाइम्स देश से ऐसा कहा जाता है अ मैन फाइंड्स अ डेड ऑर्चर्ड फायर्ड एंड गोड क्रॉप सेंचुरीज़ बैक लेकिन फिर भी कहते हैं कि सेंचुरीज़ बैक कई सदियों बाद भी अगर किसी इंसान को एक इन आदमी को एक डेड ऑर्चर्ड मिलता है एक डेड बगीचा मिलता है ऑलिव के पेड़ों का जिसको जलाया गया हो या फिर बकरों ने खा लिया हो बकरियों ने ही सेटल्स इन फेंसिस दिवाइव अगर वो उस ऑर्चर्ड में सेटल हो जाता है और उसकी थोड़ी देखभाल करता है तो जो पेड़ के तने वे कटे हैं जो पेड़ के कटे हुए तने हैं द स्टम्प्स है दे रिवाइव वापिस पुनर्जीवित हो जाते हैं हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस फैमिली प्रॉस्पर बारी आज यु सॉइल प्रेसिंग ट्रेड और उसके जो बच्चों के बच्चे हैं उनका परिवार क्या है बहुत ही फलता फूलता है अच्छा पैसा कमाता है क्योंकि ऑलिव का जो ऑयल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है इट्स अ गुड ट्रेड तो मेहनत ही है आर्ज़स है क्यों क्योंकि आपको धीरे धीरे वो तेल निकालना है लेकिन इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस तो आपके बच्चों के बच्चे भी उसमें से प्रॉफ़िट कमाएंगे देन वॉर्स एंड डिज़ीज़ वॉश ओवर लेकिन फिर क्या है फिर जो ह्यूमन साइकिल है एक तरह से वॉर आता है फिर पीस रहता है फिर वापस वॉर आ जाता है तो फिर से क्या है वॉर और जो डिजीज़ बीमारियाँ वापस आ जाती है गोड्स रिटर्न बकरियां भी वापस आ जाती है द ऑलिवस गो अंडर वेटिंग अनदर एज और फिर जो ऑलिव के जो पेड़ है वापस क्या है दब जाते हैं वेटिंग अनदर एज फिर से एक ऐसे समय का इंतजार करने जब शायद वापस खुशहाली शांति हो और वो वापस उग पाए देर शेड स्टिल लाइज वेयर सॉक्रेटीज डिस्प्यूटेड तो सॉक्रेटीज सुकरातु एंशंट ग्रीक फिलोसफर वन ऑफ द फर्स्ट वंस प्लेटो के टीचर जो रहे थे तो कहते वो भी ऑलिव के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बातें करते थे और कहीं ना कहीं ऑल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड थॉट इज ट्रेस बैक टू दीज पीपल सोक्रेटीज प्लेटो अरिस्टोटल और वैसे ही अब जीसस की भी बात आती है जो जिस रात को जीसस को फाइनली अरेस्ट किया जाता है उनके जो एक डिसाइपल होते हैं जूडस उन्हें क्या है धोखा देते हैं ये बिट्रेज है, है गेट्स अरेस्टेड तो वो गेट्स मैन के गार्डन गेट्स मैन जब एग्जैक्ट प्रोनाशिएशन नहीं पता मुझे उसके गार्डन में बैठे हुए थे और वहाँ पर भी क्या है ऑलिव ट्रीज थे और जीजस वहाँ लास्ट रात को थे लेकिन कहा जाता है कि अभी भी उसी गार्डन में गेट्समैन के गार्डन में वो ऑलिव के पेड़ हैं और माना जाता है ये वही पेड़ है यानी बीज वही है जो जीसस के समय से तो अगेन इट्स अ सिंबल ऑफ लॉन्जिविटी कि कैसे ऑलिव का जो पेड़ है जो बीज है वो कभी नहीं ख़त्म होता और वापस आते रहता है एंड इन अ वे इट्स अ सिंबल फॉर यू नो नेचर द पावर ऑफ नेचर एंड ऑफ ह्यूमन विल एंड आर पीस लविंग आइडियाज़ ऑल्सो की यानी शांति चाहे कितना भी वॉर वगैरह बीच में आते रहे बट द ऑलिव ब्रांच विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिंबल फॉर पीस इट ऑलवेज रिटर्न सो दैट्स द पोम शॉर्ट एंड सिंपल एक बार आप क्वेश्चन पर नज़र मारिएगा एंड देन वील मो ऑन टू द लास्ट पोम थैंक यू